नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और हमारे YouTube चैनल घनश्याम टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मैं बाहर वैकेशन पे गया हुआ था। तो दोस्तों, मैं अब आ गया हूं तो आप कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे देख के आप मत जाइए, उसको लाइक और शेयर करते हुए जाइए। दोस्तों, देखिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो आपका बस एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे चाहिए। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको आप लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो आप उसको डिसलाइक करें। कमेंट में लिखें कि मुझे कि आपको वो वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा, फिर मैं उस वीडियो में सुधार करूँगा, फिर से एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। लेकिन आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए भूलिए। दोस्तों, देखिए कोई भी यूट्यूबर यही चाहता है कि उसके सब्सक्राइबर रहें, उसके सब्सक्राइबर उसको वीडियो को वॉच करें, वो लाइक और शेयर करें। अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए, तो आप सिर्फ देख के वीडियो को मत जाइए, उसको लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों दोस्तों, ये मेरी प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस की जो ट्रेनिंग है उसकी कैंडल स्टिक पैटर्न चल रहा है, तो उसकी ये वीडियो है। ये वीडियो नंबर 19 है। जैसा कि आप जानते हैं, ये अभी बहुत दिनों तक चलेगा ये ट्रेनिंग। अगर आपने पूरी वीडियो मेरी, जितने भी मैंने वीडियो बनाए हुए वो वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो एक आप परफेक्ट ट्रेडर बन जाएंगे। आप वीडियो को देखने के साथ साथ में ही एक अच्छे ट्रेडर की शुरुआत कर चुके होंगे। जो प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं उसकी शुरुआत तो आपने पहले से ही कर दी है। अगर आपने मेरे बताए हुए रूल्स, डिसिप्लिन, मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न बताया है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप एक परफेक्ट ट्रेडर की तरफ बढ़ चुके हैं। और आपको कोई एक परफेक्ट ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता अगर आप डिसिप्लिन और मेरे बताए हुए रूल्स को आप फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, कंटिन्यू करते रहिए। देखिए, आज की हमारी जो वीडियो है वो कैंडल, आज की जो हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है बुलिश हरामी। देखिए, बुलिश हरामी भी दो कैंडल स्टिक का पैटर्न है, यानी दो कैंडल को मिलाकर बुलिश हरामी बोला जाता है। यानी बुलिश हरामी एक कैंडल का पैटर्न नहीं है, ये दो कैंडल का पैटर्न है और ये रिवर्सल पैटर्न है। ये बुलिश रिवर्सल साइन है, यानी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो काफ़ी स्ट्रांग पैटर्न है ये। बहुत अच्छे से आप फॉलो कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए इसको, आप देखिए, पहले चीज़ों को समझिए, आँखों को अपनी ट्रेंड कीजिए। दोस्तों देखिए, बुलिश हरामी एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा, यानी स्टॉक एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में होगा, गिरते हुए चलाएगा। और डाउन ट्रेंड का मतलब सिर्फ रेड कैंडल ही नहीं, बीच में ग्रीन बनेगी, थोड़ी अप डाउन ऐसा करते हुए आएगी, उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप रेड कैंडल ही ढूंढने लगो, मैंने यहाँ पे रेड बनाया तो वो डाउन ट्रेंड, यानी एक डाउन ट्रेंड चलता आएगा। स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में रहेगा जो कि स्ट्रांग डाउन ट्रेंड रहेगा, और वो डाउन ट्रेंड एक बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी, ये बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी। ध्यान रखना है कि ये जो ग्रीन कैंडल बने, पूरी ग्रीन कैंडल इसकी बॉडी में ही होनी चाहिए। यानी जैसे हम देखते थे बुलिश इनगल्फिंग या बेरिश इनगल्फिंग। देखिए, बुलिश इनगल्फिंग में क्या होता था, बुलिश इनगल्फिंग में क्या होगा, एक रेड कैंडल रहेगी, छोटी रेड कैंडल रहेगी और बड़ी कैंडल जो रहती थी वो ग्रीन कैंडल रहती थी, तो वो बुलिश इनगल्फिंग। ठीक उसी का उल्टा है, जो बड़ी कैंडल होगी वो रेड होगी और छोटी कैंडल होगी वो ग्रीन होगी, और पैटर्न इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। ये दो कैंडल का पैटर्न है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसका हाई लो ओपन क्लोज सारा इसकी बॉडी के अंदर में ही होना चाहिए, यानी बॉडी के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर एक भी चीज़ें, जैसे इसका लो इसके क्लोज के नीचे चला गया, यानी लो इसका इसके क्लोज के नीचे गया, तो फिर ये बुलिश हरामी पैटर्न नहीं कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे लोग क्या होता है, इसके लो अगर स्टॉक ने इसके हाई के ऊपर भी क्लोज कर दिया तो भी ये बुलिश हरामी पैटर्न नहीं है। बुलिश हरामी पैटर्न तब है जब ये इस बॉडी के अंदर में ही क्लोज दे, इस बॉडी के अंदर में ही क्लोज दे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगा, हमेशा अपने हाई से नीचे क्लोज दे, जो भी उसके डे ग्रीन कैंडल का जो भी हाई होगा हमेशा उसके नीचे क्लोज देना चाहिए। एकदम क्लोज और हाई एक नहीं होना चाहिए, उसी तरह से लो और ओपन भी सेम नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आपको, स्टॉक ओपन होगा फिर नीचे जाए या ऊपर जाए, उसके बाद ये अपने हाई से थोड़ा नीचे क्लोज होगा, ये पैटर्न कहलाएगा बुलिश
हरामी यानी बुलिस हरामी पैटर्न, ये दो कैंडल का पैटर्न है। जापानी लोगों ने इसका नाम दिया बुलिस हरामी, यानी ये प्रेग्नेंट लेडी, ये प्रेग्नेंट लेडी यानी बड़ी कैंडल जो है वो मदर कैंडल है और जो छोटी कैंडल है वो बेबी कैंडल है यानी प्रेग्नेंट लेडी। तो इस कैंडल का मतलब हो गया कि स्टॉक्स में अब मंदी करने वाले लोग अलर्ट हो जाएंगे, अब तेजी करने वालों की एंट्री हो जाएगी। यहाँ से स्टॉक्स में तेजी करने वाले ट्रेडर की एंट्री होगी और मंदी करने वाले ट्रेडर अब यहाँ से अपने सौदे को काट लेंगे। और बाइंग, देखिए ध्यान रखना, आपको बाइंग करना है हमेशा इस हाई के ऊपर, यानी जो बेबी कैंडल है या छोटी कैंडल है उस कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाइंग करना है, उस हाई के ऊपर ही आपको बाइंग करना है। और स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है वो जो बड़ी रेड कैंडल है इस कैंडल के नीचे 0.5% आप लगाइए, सेफ स्टॉप लॉस है इस कैंडल के नीचे 0.5% लगाइए, या इस कैंडल का ही 0.5% आप लगाइए। जो ये कैंडल बनी हुई है इस कैंडल का 0.5%, अगर मान लीजिए ये कैंडल 4 रुपये की बनी हुई है तो आप इसका स्टॉप लॉस 2 रुपये यानी लो से और 2 रुपये नीचे लगा लें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर ये कैंडल 2 रुपये की बनी हुई है तो स्टॉप लॉस आप इस लो से 1 रुपये और नीचे लगा के रखें, ये सेफ होगा। ये है बुलिश हरामी। चलिए अब हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे बुलिश हरामी कैसा दिखता है। दोस्तों मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे का रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए आदित्य बिरला नोबल, ये एवी नोवो का चार्ट है। ये देखिए एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड मिल रहा है स्टॉक को, ये देखिए स्ट्रांग डाउन ट्रेंड मिल रहा, डाउन ट्रेंड के बाद एक ये हमको बुलिश कैंडल मिली। और ये जो बुलिश कैंडल है देखिए हमेशा इस रेड के बुलिश कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल हमेशा इस रेड कैंडल के देखिए ऊपर, इसका हाई ओपन लो सारी चीजें इसके अंदर है। और इसका जो लो से ऊपर इसने ओपन, ओपन इसका लो से ऊपर ही है। और इसका जो क्लोज है वो देखिए हाई से नीचे इसने क्लोज दिया है, यानी जो हमारा क्राइटेरिया था एक बड़ी सी रेड कैंडल बने, इस रेड कैंडल के बाद जो छोटी बेबी कैंडल बने वो हमेशा इसकी बॉडी के अंदर में ही रहे, बॉडी के अंदर में रहे। तीसरी चीज़ है हमेशा ये अपने हाई से नीचे क्लोज होना चाहिए और नीचे ओपन और लो भी सेम नहीं होना चाहिए और ओपन और क्लोज भी सेम नहीं होना चाहिए। अगर इस दोनों में से कोई भी एक चीज होती है तो फिर वो बुलिश हरामी पैटर्न नहीं है। उसके बाद हम इसको बाइंग करेंगे इस हाई के ऊपर, यानी बेबी कैंडल के हाई के ऊपर हम इसको बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कैंडल या जो भी ये कैंडल है इस कैंडल का हाफ, यानी अगर ये कैंडल 10 रुपए की है तो हम इसका स्टॉप लॉस 5 रुपए लगा के पहले 1-2 दिन के लिए। अगर आप डे ट्रेडर हैं यानी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो पहले 2 दिनों के लिए हम ये जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो इस कैंडल का, ये जो भी कैंडल जितने की भी कैंडल बनी है उसका हाफ लगाएंगे, ये ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर ये हाफ 4 या 5% है तो बहुत बड़ा है, तो आप ध्यान रखिए आप लो से नीचे, अगर 1000 रुपये का स्टॉक है तो आप 1% आप मान के चले, आप सीधा मान के चलें कि जो भी इसने लो बना है उस लो के नीचे 1% का आप स्टॉप लॉस लगा के रखें पहले 1-2 दिनों के लिए अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो। उसके बाद जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाते जाते आप अपने स्टॉप लॉस को चेंज करते जाइए। तो ये था बुलिश हरामी, आप समझ गए। स्टॉक एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड के बाद एक जो बड़ी रेड कैंडल बने उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बने, वो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की बॉडी के अंदर में ही बनना चाहिए। और इसको जो बाइंग करेंगे वो हम बाइंग करेंगे बेबी कैंडल के हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस लगाएंगे इस स्टॉक्स का। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो स्टॉक्स का आप 1% स्टॉप लॉस लगा के रखें, अगर आप इंट्रा डे ट्रेडर हैं तो उसी कैंडल का हाफ लगा के रखें, ठीक है। चलिए एक इंट्रा डे चार्ट पे देख लेते हैं। ये देखिए इंट्रा डे चार्ट है एक्सिस बैंक का, 19 अप्रैल का। ये देखिए स्टॉक एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में चला, देखिए यहाँ पे मंदी करने वाले लोग पूरी तरह से हावी हो चुके हैं इस स्टॉक्स पे, मंदी करने वाले ट्रेडर पूरी तरह से हावी हैं। फिर उन्होंने अचानक एक जो मंदी करने वाले ट्रेडर हैं उन्होंने एक अचानक एक देखिए दो पैटर्न को मिला के यहाँ पे बुलिश हरामी पैटर्न डेवलप हो गया, तो उन्होंने अब वो अलर्ट हो गए। यहाँ पे देखिए वो अलर्ट हो गए, हमको बाइंग करना है इस हाई के ऊपर यानी बेबी कैंडल के हाई के ऊपर, हम इस कैंडल पे बाइंग करेंगे और हम इस कैंडल के नीचे यानी इस कैंडल का जो भी होगा उसका 0.5% और नीचे लगा लेंगे। यार ये कैंडल 2 रुपये की बनी है तो स्टॉप लॉस हम इसका इस लो के नीचे 1 रुपये और नीचे लगा लेंगे और फिर उसको हम ट्रेड करते हुए चलेंगे। देखिए ये 502 तक गया, 90
वन की बाइंग, 90 की बाइंग, देखिए 90 की बाइंग और 902 तक यानी 12 रुपीज़ वो इंट्रा डे में देखे गए। ये देखिए 10 बजे के बाद स्टॉक 1:30 बजे तक 502 का हाई लगा। आप हमेशा देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से कि आप हमेशा स्टॉप लॉस को फॉलो करें, स्टॉप विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। आप ट्रेडर हैं तो आप स्टॉप लॉस को फॉलो करें, स्टॉप लॉस कट गया कोई बात नहीं। देखिए अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, अगर आपका रेशियो 50% भी है और आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है तो आप 100% के प्रॉफिट पे हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस तो आपका ऑलरेडी 1.5 रुपये बन रहा है, लेकिन प्रॉफिट देखिए 10 रुपये। इसके बाद अगर आपने ऐसे 4 ट्रेड भी आपके फ्लॉप हुए तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो आप ये मत देखिए कि मेरे कितने ट्रेड फ्लॉप, आप ये रिस्क मैनेजमेंट को, रिस्क को समझिए, अपने रिस्क रिवॉर्ड को समझिए और उसके बाद आप ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों ये थी बुलिश रामी। देखिए अब स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस जैसे स्टॉक एक ऊपर गया, देखिए स्टॉक एक साथ ऊपर या नीचे नहीं जाता है, ऊपर जाएगा फिर एक लो बनाएगा। आप हमेशा इस लो को स्टॉप लॉस लगाते हुए चल, मैं बार बार बोलता हूँ आप एक हाई के बाद जो लो बने और जब इस हाई को ब्रेक कर दे तो हमेशा स्टॉप लॉस आपका ये लो हो जाना चाहिए। जैसे अभी इस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे तो हमारा स्टॉप लॉस अब ये लो हो गया। स्टॉक एक हाई बनाया फिर से एक लो बनाया, अब स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक कर दिया तो अब हमारा स्टॉप लॉस ये लो हो गया। फिर स्टॉक ने एक हाई बनाया, ये देखिए हाई बनाया, अब स्टॉप लॉस हमारा ये लो हो गया। तो ऐसे ही आप अपने मेंटेन करते जाइए, आपको स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं मार्केट ही आपको, मार्केट आपका सौदा कट कर देगा, आपको कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप लिमिट में ट्रेड करें। अगर आप ओवर ट्रेड करेंगे तो फिर आप अच्छे प्रॉफिट कभी नहीं बना पाएंगे। आप लिमिट में ट्रेड कीजिए, अपनी कैपिटल के अनुसार ट्रेड कीजिए, आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके अनुसार ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये थी हमारी आज की कैंडल, जो इसको बोल बुलिश हरामी। आप एक समझ गया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बुलिश हरामी एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड, एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी, उस रेड कैंडल के बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो पूरी कैंडल रेड कैंडल की बॉडी के अंदर में ही होनी चाहिए, ठीक है। और हमेशा अपने हाई से नीचे क्लोज होना चाहिए। दूसरा कह रहा, तीसरी चीज़ हमको बाइंग करनी है, जो छोटी सी ग्रीन कैंडल होगी उस हाई के ऊपर हमें बाइंग करना है। स्टॉप लॉस हमेशा हमको, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको स्टॉप लॉस जो भी बड़ी रेड कैंडल है उस रेड कैंडल का 0.5%, यानी ये कैंडल 2 रुपये की है तो आप इसका स्टॉप लॉस 1 रुपये का लगा लें। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आप स्टॉक कैसा भी हो उसका 1% के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के पहले 2-3 कैंडलों के लिए आप उसको ट्रेल करें, उसके बाद स्टॉप लॉस अपने बाइंग प्राइस के पास हमेशा लगा के सेफ आप बैठे रहें। दोस्तों ये थी बुलिश हरामी, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।